सो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विथ हिमांशु नॉलेज में। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल की बैटरी भी काफ़ी कम चलती है तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी सेटिंग्स के बारे में बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने मोबाइल में ऑन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके मोबाइल की बैटरी कई गुना ज़्यादा चलने लगेगी। ओके दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि अगर आपके मोबाइल की बैटरी 5000 mAh की है और आप चाहते हैं कि हमारी बैटरी को इतना चलना चाहिए लेकिन उतना नहीं चलती है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम आपको आज की वीडियो में 4 ऐसी सेटिंग्स बताएंगे जिन्हें अगर आप अपने मोबाइल में ऑन कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी अचानक से काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाएगी। और ये सेटिंग्स ऑन करने के फिर ना सिर्फ आपकी बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा हो जाएगा बल्कि आपकी बैटरी की लाइफ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद इस लाल बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। फिर फ्रेंड्स, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में चले जाना है और आपको कमेंट बॉक्स में एक अच्छी सी कमेंट लिख देनी है। आपको इस तरह से लिख देना है, नाइस बैटरी सेटिंग। इस तरह से आपको नाइस बैटरी सेटिंग लिख के फ्रेंड्स सेंड कर देना है। आप जैसे ही इतना लिख के सेंड कर देते हैं तो चलिए मैं आपको इन चारों सेटिंग्स के बारे में बता देता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये 4 सेटिंग मैं आपको बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी पहली सेटिंग के बारे में। तो दोस्तों, पहली सेटिंग करने के लिए आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ पहली ट्रिक बताने से पहले, आपका कोई भी मोबाइल हो ये सारी सेटिंग्स आपके मोबाइल में होंगी। तो दोस्तों, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर ढूंढ लेना है बैटरी का। तो मान लीजिए आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च बार दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप कर देना बैटरी BATTERY। आप जैसे इस तरह से टाइप करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने बैटरी का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन को ओके कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहली सेटिंग बता रहा हूँ, इसके बाद आपको 3 सेटिंग और बताऊंगा। तो ये सेटिंग्स तो आपको करनी ही करनी है जो बताऊंगा, उसके बाद 3 सेटिंग और करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव पावर का, तो आपको सिंपली सेव पावर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आप जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्सटेंड बैटरी लाइफ 2 मिनट। तो चूंकि मैंने कल शाम को ही यहाँ पर ये सेटिंग की थी इसलिए 2 मिनट दिखाई दे रहा, हो सकता है आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको 30 मिनट या 1 आवर्स इस तरह से आपको दिखाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर एक्सटेंड बैटरी लाइफ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं आपका इस तरह से ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आपको नीचे चले आना और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सुपर हाई पावर एफिशिएंसी, तो आपको सिंपली इस वाले को भी इस तरह से ऑन कर देना है। दोस्तों, जब आप इसे ऑन कर देंगे तो आपके जितने भी एप्लीकेशन है बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं वो आपके एप्लीकेशन रन नहीं होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे चले आना और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्क्रीन बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना और इसको आपको यहाँ पर अगर बैलेंस मोड होता है, हाई एनर्जी एफिशिएंसी मोड होता है, तो इसको आप देख सकते हैं यहां पर मैंने भी ऑफ किया हुआ, तो आप इसको ऑफ ही करके रखना है। तो दोस्तों, अगर आप ये पहली सेटिंग थी इस तरह से कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी बैटरी चलने लगेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी सेटिंग के बारे में। सो दूसरी सेटिंग करने के लिए फ्रेंड्स, आपको अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। तो चलिए मैं अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, जब आप प्ले स्टोर ओपन कर लेंगे तो यहां पर आपको ऊपर 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर सेटिंग में चले जाना है। आप जब सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो अपडेट एप्स, तो यहां पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ओवर एनी नेटवर्क, ओवर वाईफाई ओनली और डोंट ऑटो अपडेट एप्स। तो यहां पर फ्रेंड्स, आपको डोंट ऑटो अपडेट पर क्लिक करके इस तरह से डन कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि अगर आपने यहां पर सेट किया हुआ है ऑटो अपडेट पर तो आप बैकग्राउंड में ही आपके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ करते हैं। इससे दोस्तों क्या होता है कि आपकी बैटरी भी काफी ज्यादा खर्चा होती है और आपका मोबाइल डेटा भी बहुत जल्दी खर्चा हो जाता है। तो इसके आपको दो दो फायदे होंगे, इसलिए आपको इसको डोंट ऑटो अपडेट पर ही सेट करके रखना है। तो ये दोस्तों दूसरी सेटिंग थी। अब आपको तीसरी ट्रिक में क्या करना है फ्रेंड्स, तो तीसरी ट्रिक को करने के लिए एक बार फिर से आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। और जब आप सेटिंग में जाएंगे तो आपको इस तरह से नीचे स्क्रॉल करके हो चले जाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट एंड सिंक का, या फिर केवल अकाउंट का ऑप्शन हो सकता है आपके में हो, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे ऊपर देख रहे हैं ऑटो सिंक डेटा, तो आपको इसको भी हमेशा इस तरह से ऑफ करके रखना है।
देख सकते हैं जैसे मैंने ऑफ कर दिया है। इसको करने से क्या होगा दोस्तों, आपकी जो बैकग्राउंड में एप्लीकेशन एक दूसरे को डेटा सिंक किया करती हैं, रिड्यूस किया करती हैं, तो अगर आप इसे बंद कर देंगे तो डेटा जो है भी आपका नहीं खर्च होगा और आपकी बैटरी भी यहां से काफी ज्यादा बचेगी, तो इसको आपको भी ऑफ करके रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं अपनी चौथी सेटिंग की। तो दोस्तों चौथी सेटिंग करने के लिए आपको एक बार फिर से अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है, और जब आप सेटिंग में जाएंगे तो यहां पर आपको अबाउट फोन में चले जाना है। आप जब अबाउट फोन में चले जाएंगे तो इस तरह से आपको यहां पर बिल्ड नंबर पर जाना है और यहां पर आपको 7 बार टाइप कर देना है। तो मैं देख 7 बार टाइप करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर आपका जो है 7 बार टाइप करने के बाद आपके मोबाइल में एक नया ऑप्शन आ जाएगा, डेवलपर ऑप्शन। तो यहां पर आप देखेंगे, आप अपनी सेटिंग में जाएंगे, सबसे नीचे आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप यहां नहीं मिलता है तो आपको एक एडिशनल सेटिंग नाम की सेटिंग होगी, तो यहां पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं आपको सेटिंग मिल जाएगी, डेवलपर ऑप्शन। तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर देना है और आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है। तो नीचे चले आना है, नीचे चले आना है, मैं आपको सर्च करके अभी दिखाता हूं। तो यहां पर और नीचे चले आना, तो यहां पर आपको एक ऐप्स नाम से फोल्डर दिखाई देगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। तो सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर यहां पर देख सकते हैं, जैसे हमारे में स्टैंडर्ड लिमिट सेट है, तो यहां पर आपको नो बैकग्राउंड प्रोसेस पर सेट कर देना है। ऐसा दोस्तों अगर आप करेंगे तो इससे क्या होगा कि बैकग्राउंड में आपके जितने भी एप्लीकेशन चला करते हैं, रन हुआ करते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, तो अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो बैकग्राउंड में सारे एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएंगे और आपकी मोबाइल की बैटरी काफ़ी कम चलेगी। तो दोस्तों ये 4 सेटिंग्स थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अगर आप इन 4 सेटिंग्स को अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके फ़ोन की बैटरी न सिर्फ ज़्यादा चलेगी बल्कि बैटरी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। आगे भी ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।